उदाहरण 14। निम्नलिखित समीकरण में चरों के मान ज्ञात कीजिए। 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8, x ऋण 4y बराबर ऋण 7। हल। समीकरण दो एक्स ऋण 5y बराबर ऋण 8, यह हमारा समीकरण एक है। x ऋण 4y बराबर ऋण 7, ये समीकरण दो है। समीकरण दो से x बराबर ऋण 7, ऋण चार वाय का पक्षांतर करने पर धन 4y, इसे हम समीकरण तीन मानते हैं। x के इस मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारा है 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8, x के स्थान पर हम ऋण 7 धन 4y रखेंगे समीकरण 3 से, तो 2 कोष्टक में ऋण 7 धन 4y, कोष्टक बंद, ऋण 5y बराबर ऋण 8, या कोष्टक को खोलने पर ऋण 14 धन 8y ऋण 5y बराबर ऋण 8, या 8y ऋण 5y 3y बराबर ऋण 8 धन 14, ऋण 14 का पक्षांतर हुआ तो धन 14, चिन्ह उलट जाएगा, ऋण का धन 3y बराबर ऋण 8 धन 14 बराबर 6, या y बराबर 6/3, या y बराबर 2। y के इस मान को समीकरण तीन में रखने पर x बराबर ऋण 7 धन 4y, या x बराबर ऋण 7 धन y के स्थान पर 2 रखेंगे तो 4 × 8, या x बराबर 1। अतः x बराबर 1 और हमने y का मान 2 निकाला। तो इस तरह से हमने समीकरण का हल करके x का मान 1 और y का मान 2 प्राप्त किया, यह इस प्रश्न का हल है।